फ्रेंड्स, माय नेम इज मुक्ता थी। राजस्थान ज्योग्राफी कर रहे थे हम लोग। हमारे प्रीवियस लेसन में हमने बात की थी राजस्थान एज अ इंट्रोडक्शन कंप्लीट देखा था। कुछ चीजें, कुछ पोर्शन छूट गया था जिसे हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट, हम लोग एक क्विक रिविजन कर लेते हैं हमारे प्रीवियस लेसन का। सो व्हाट वी रेड इन आवर प्रीवियस लेसन, हमने लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखा था राजस्थान का। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है राजस्थान का? 23 डिग्री 03 मिनट्स टू 30 डिग्री 12 मिनट्स, है ना। ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट था। व्हाट वाज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आपने देखा था, हमने 69 से ड्रॉ किया था आगे सब चीजें। 69 डिग्री 30 मिनट्स टू 78 डिग्री 17 मिनट्स, राइट। उसके बाद में हमने लेंथ की बात की थी, जिसके अंदर नॉर्थ साउथ अगर लेंथ मतलब लेंथ देखा जाए सो दैट इज 826 किलोमीटर, और अगर ईस्ट वेस्ट देखा जाए सो दैट इज 869 किलोमीटर। उसके बाद में हमने बात की थी, एरिया देखा था पूरा राजस्थान का एरिया कितना है। इट्स 342,239 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज 10.41% ऑफ इंडियाज ज्योग्राफिकल एरिया। जो इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 10.41% है। ये चीज पूछी भी जा चुकी है, ठीक है। इसके बाद में हमने लैंड बॉर्डर देखा था राजस्थान का, विच इज 5,920 किलोमीटर। ये जो फिगर्स हैं, ये प्लीज आप बाय हार्ट याद कर लीजिएगा, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हमने नॉर्दर्न मोस्ट साउदर्न मोस्ट विलेजेस वगैरह देखे थे, पॉइंट्स देखे थे। नॉर्थ में कोना है, और अगर वेस्ट की बात करें तो करता हो गया, और अगर हम साउथ की बात करें सो बांसवाड़ा में बोलकुंड छोटा, और अगर ईस्ट की बात करें तो धौलपुर के अंदर आ जाता है जगमोहन का पूरा, ठीक है। उसके बाद में हमने इंटरनेशनल बॉर्डर देखा था, विच इज 1070 किलोमीटर लॉन्ग, जो सबसे मैक्सिमम शेयर करता है जैसलमेर के साथ में, एंड देन कम टू आपका बांसवाड़ा, उसके बाद में गंगानगर, एंड लास्ट इज बीकानेर। बीकानेर के साथ में सबसे स्मॉलेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर होता है, राइट। और सबसे स्मॉलेस्ट इंटरस्टेट बॉर्डर किसका है, मैंने लास्ट लेसन में बताया था, डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और इसके अलावा हमने देखा था डिस्ट्रिक्ट्स, राजस्थान के अंदर टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसके अंदर से 25 डिस्ट्रिक्ट्स वी हैव सीन दैट आइदर शेयर बॉर्डर विद इंटरनेशनल, आइदर शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर और इंटर स्टेट बॉर्डर। 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी थी, 8 डिस्ट्रिक्ट्स वर लाइक दिस जो हमने देखी थी, विच डजंट शेयर बॉर्डर आइदर विद इंटरनेशनल और इंटर स्टेट, जो किसी के साथ में बॉर्डर किसी अदर स्टेट के साथ में या किसी अदर कंट्री के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करती। कौन सी थी वो डिस्ट्रिक्ट्स, सोच के देखिए। 8 डिस्ट्रिक्ट्स थी, हमने शुरू किया था नागौर से, तो नागौर हो गया, फिर उससे लगता हुआ नागौर सबसे पहले, यहाँ पे देखिए ये रहा मैप, ठीक है। तो नागौर हो गया, फिर उसके बाद में आपका आ जाता है यहाँ पे जोधपुर, देन कम्स पाली, देन कम्स आपका राजसमंद आ जाता है, उसके बाद में आ जाता है टोंक, एंड आपका दौसा आ जाता है, और बूंदी आ जाता है। ये जो सारा एरिया है, ये वाला बीच वाला अजमेर आ जाता है। दीज 8 डिस्ट्रिक्ट्स आर एक्चुअली इंटरनल डिस्ट्रिक्ट्स, जो कि किसी और स्टेट के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करती है, ठीक है। सो दिस वॉज अ क्विक रिविजन अबाउट आर प्रीवियस लेसन। अब हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम किस बारे में बात करेंगे? सबसे पहले हम, अब जब हम स्टेट्स की बात कर ही रहे हैं, तो पहले एक बार यहीं पे देख लेते हैं राजस्थान कितने स्टेट्स के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। लेट्स हैव अ लुक। एमपी के साथ में शेयर करता है, राइट। गुजरात के साथ में शेयर करता है, हरियाणा के साथ में शेयर करता है, और उसके अलावा आपका यूपी के साथ में शेयर करता है, और पंजाब के साथ में शेयर करता है। अब एक बार हम मैप की तरफ देखेंगे। देखो, राजस्थान शेयर्स, राजस्थान की जो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स हैं विच शेयर्स बॉर्डर विद एमपी, कितने डिस्ट्रिक्ट शेयर करती है बॉर्डर? इट्स 10। कैसे? देखो ये 10 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कौन कौन सी है। यहाँ पे ये देखो एमपी का बॉर्डर है, ठीक है। बांसवाड़ा शेयर करता है यहाँ से, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, थोड़ा सा आपका भीलवाड़ा का पोर्शन हो गया, देन फिर आपका कोटा आ जाता है, झालावाड़, बारा, और आपका ये सवाई माधोपुर, करौली एंड धौलपुर। तो कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई विच शेयर्स बॉर्डर विद एमपी। ध्यान रखिएगा, मैप को याद करने का एक तरीका होता है, मैप ऐसे ही आप रेंडमली कहीं से याद मत कीजिए, या तो क्लॉकवाइज चलो और
एंटी क्लॉकवाइज देखो, एक सीक्वेंस में ही चीजें याद हो पाती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग याद करेंगे। तो ये देख लिया हमने 10 डिस्ट्रिक्ट्स, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं राजस्थान, शेयर मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स विद एमपी। उसके बाद में कौन से सेकेंड हाइएस्ट डिस्ट्रिक्ट हम किसके साथ में शेयर करते हैं, दैट इज विद हरियाणा। 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये देखो हरियाणा, हरियाणा की यहाँ पे ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हनुमानगढ़ से यहाँ से शुरू होते हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 भरतपुर तक। ये आ गए 7 डिस्ट्रिक्ट विच इज शेयर्स विद हरियाणा। देन कम्स टू गुजरात, गुजरात के साथ में राजस्थान शेयर्स 6 डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे हमने देखा था बाड़मेर, अब वही जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे उसी का आंसर है। स्मॉलेस्ट इंटरस्टेट बॉर्डर जो है दैट शेयर्स बाड़मेर विद गुजरात, ठीक है ना। तो बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, 6 हो गई, 1 2 3 4 5 6 6 डिस्ट्रिक्ट हो गई। देन इसके बाद में यूपी और पंजाब, ये दोनों ही 2 डिस्ट्रिक्ट शेयर करती है। पंजाब तो आपका गंगानगर और हनुमानगढ़, और यूपी से भरतपुर और धौलपुर। तो यहां तक क्लियर है। अब ये तो बात थी हम जो डिस्ट्रिक्ट्स की कर चुके, अब हम बात करते हैं राजस्थान की जो अरावली की पीक्स हैं। देखो अरावली की पीक्स तो बहुत सारी हैं। आप अगर नॉर्थ ईस्ट जो अरावली हिल्स हैं वहां की पीक्स हैं, एंड देयर आर मेनी पीक्स ऑफ सेंट्रल अरावली, और फिर उसके बाद में आपका जो साउथ वेस्ट पार्ट है अरावली, उसकी भी बहुत सारी पीक्स है। बट जो टॉप पीक्स हैं आपको एटलीस्ट इतनी याद होनी चाहिए, आज हम उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अरावली पीक्स। अब हाईएस्ट पीक कौन सी है अरावली की, मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ अरावली की हाईएस्ट पीक है विच इज गुरु शिखर। देखो गुरु शिखर की हाइट आपको पता होनी चाहिए, उसके अलावा बाकी पीक्स का अगर आपको ऑर्डर पता है सो दैट इज फेयर इनफ, बिकॉज जनरली ऑर्डर ही पूछा जाता है, ठीक है। दे विल आस्क यू इन द एग्जामिनेशन कि इसको क्रोनोलॉजी पूछी जाती है कि कौन सी पीक हाईएस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है, तो आपको एक क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। बट गुरु शिखर पीक की तो हाइट भी पता होनी चाहिए विच इज 1722 meters, ठीक है। अब बहुत जगह पर आपको 1727 भी लिखा हुआ दिखेगा। देखो गुरु शिखर की जो ओरिजिनल हाइट थी दैट वाज 1727, बट क्योंकि अरावली की पीक है और अरावली इज अ रेलिक माउंटेन, तो धीरे धीरे उसका इरोजन होता जा रहा है, तो अभी जो नाउ करंट जो है इसकी हाइट विच इज 1722 meters, ठीक है। गुरु शिखर कहाँ पे लोकेटेड है, सिरोही के अंदर। उसके बाद में सेकेंड हाइएस्ट पीक आती है सेर, फिर आती है आपकी दीलवाड़ा, ये सब भी आपके सिरोही के अंदर ही है, सेर और दीलवाड़ा। देन फोर्थ वन इज जगरा, ये है आपकी उदयपुर में। देन कम अचलगढ़, ये आपकी अगेन सिरोही के अंदर आती है। देन कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कहां पे है, राजसमंद, बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्ट है कुंभलगढ़ का, एवरीबडी नोस दैट। तो कुंभलगढ़ हो गया। देन कम्स टू रघुनाथगढ़, ये है आपकी सीकर में। देखो यहां तक की पीक्स जनरली लोग याद कर लेते हैं, उसके बाद की कुछ एक पीक्स हैं जो थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक इसकी ट्रिक भी बता दूंगी बाद वाली पीक्स की, पहले एक बार लिख लेते हैं इसे। हरिषिकेश दैट इज इन उदयपुर, बहुत बुक्स में लिख नहीं रखा है कहाँ पे है, आई विल फाइंड इट एट वन प्लेस की उदयपुर है ये जो हरिषिकेश पीक है। देन उसके बाद में कमलनाथ विच इज अगेन इन उदयपुर, देन फिर उसके बाद में खो आती है विच इज इन जयपुर, देन कम्स तारागढ़ विच इज इन, कहां पे है तारागढ़, अजमेर में, ठीक है ना।
अजमेर, देन उसके बाद में बैरज विच इज इन अलवर, देन कम्स टू बबई, झुंझुनू, देन कम्स टू बैरट विच इज इन अगेन जयपुर. ठीक है, ऐसे सज्जनगढ़ वगैरह भी है विच विल फाइंड इन बिटवीन कमलनाथ एंड खो, जो कि सज्जनगढ़ के पीक है 938 मीटर्स के करीब है. तो बहुत सारे पीक्स हैं इन बिटवीन भी जो कि आप अगर चाहे तो याद कर सकते हैं, बट एटलीस्ट इतनी याद कर लीजिएगा. अब इनफैक्ट मैं बात कर रही थी एक ट्रिक की जो बनाई है, मतलब नीचे के पीक्स को याद रखने के लिए. जैसे हम याद कर सकते हैं, हरी का कमल खो गया तारागढ़ में, भाई भाभी बैठ के ढूंढ रहे हैं. ठीक है, आप अगर कोई और बनाना चाहे तो कोई और ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, बट आई फाउंड इट इजी और इसी वजह से मैंने ये ट्रिक बनाई है. वेल आई एम नॉट दैट गुड एट मेकिंग ट्रिक्स एंड ऑल. हाँ, सो हरिषिकेश तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, हरी का कमल खो गया तारागढ़ में, भाई भाभी बैठ के ढूंढ रहे हैं. अब भाभी है, अब कैसे याद रखोगे, देखो बबई तो हमने हरिषिकेश से, हरी का से हरिषिकेश याद रख लिया, का से कमल हो गया, खो गई है तो यानी कि खो हो गया तारागढ़ के अंदर, भाई इट्स बैरच, बी एच ए आई स्पेलिंग आती है, एंड देन कम बबई विच इज भाभी से हमने बबई याद कर लिया, और बैरट यानी के बैठ के ढूंढ रही है. ठीक है, अब ये कैसे याद रखोगे, देखो बबई है तो यानी कि हम देखा भाभी है तो यानी कि पैरों में कोई झांझर वगैरह कुछ ना कुछ पहनती होंगी, तो उससे झुंझुनू याद हो गया. ठीक है, तो बबई से झुंझुनू हो गया आपका. और खो को हम याद कर सकते हैं कि जयपुर तो कैपिटल है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं. अब बहुत सारे लोग रहेंगे तो लोगों के खोने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. ऐसी ही सिली सी ट्रिक्स हैं, अगर आपको याद हो सके तो ऐसे कर सकते हैं या फिर कोई और भी ट्रिक से याद कर सकते हैं. तो खो से मैंने याद रखा कि जयपुर में इतनी सारी पॉपुलेशन है तो लोग खो जाते हैं. ठीक है, तो ये है कुछ पीक्स का डिसेंडिंग ऑर्डर. हाईएस्ट पीक इज गुरु शिखर, देन कम सेर, देलवाड़ा, ये तीनों ही आपके सिरोही के अंदर है, देन फोर्थ वन इज जगरा, देन कम अजनगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, हरिषिकेश, कमलनाथ, खो, तारागढ़, बैरट और आपका बैरज, बबई और बैरट. ठीक है, यहाँ तक डन है. अब इसके बाद पे हम, ये तो हमने बात की है पीक्स की, अब इसके आगे चलते हैं. अब देखो राजस्थान, पहले इंडिपेंडेंस के टाइम पे वी ऑल नो दैट कि भाई राजस्थान एक पूरा प्रॉपर स्टेट एज सच नहीं था. देयर वर 19 इंडिजिनस स्टेट्स, 3 लोकल स्टेशंस थे जिसे हम ठिकाने भी बोलते हैं. ठीक है, और उसके अलावा एक यूनियन टेरिटरी थी. यूनियन टेरिटरी कौन सी थी, अजमेर मेरवाड़ा. और ये लोकल स्टेशंस कौन से हैं, लोकल स्टेशंस आपके आ जाते हैं लावा, कुशलगढ़ एंड नीमराना. ठीक है, लावा, कुशलगढ़ एंड नीमराना, ये 3 लोकल स्टेशंस हुआ करते थे. 19 इंडिजिनस स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी विच इज अजमेर मेरवाड़ा रीजन. राइट, अब इसके बाद में देखते हैं कि जब राजस्थान का इंटीग्रेशन हुआ था, राजस्थान का इंटीग्रेशन 6 स्टेजेस के अंदर हुआ था, एंड जब ये कंप्लीट हुआ ऑन 26 जनवरी 1950, उस टाइम पे राजस्थान में 25 स्टेट्स हुआ करते थे. कितने स्टेट्स थे राजस्थान के अंदर, 25 स्टेट्स थे. अब उसके बाद में 26 स्टेट बना, 27, 28, 29, 30, 31, 32 एंड 33. अब ये जो स्टेट्स हैं, हमें इसका पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से स्टेट्स हैं और कौन सा पहले बना था, कौन सा 26 नंबर स्टेट है, कौन सा 27 नंबर स्टेट है. घबराइए मत, आई हैव अ ट्रिक फॉर दैट ऑल्सो, शायद उतनी ज्यादा अच्छी ना हो, बट आई डू हैव अ ट्रिक फॉर दैट ऑल्सो टू रिमेम्बर इट. तो एक बार लिख लेते हैं, 26 नंबर स्टेट कौन सा था, 26 नंबर स्टेट वॉज 25th हो गए, ये 25th स्टेट है. उसके बाद में कौन सा जुड़ेगा, अजमेर, धौलपुर, बारां,
dosa, rasamand, Hanumangar, Karoli, Pratapgarh. ठीक है, 26th state was, 26th state was आपका अजमेर, then धौलपुर, then बारा, then दौसा, रासपन, हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़। अब इसके ट्रिक पहले जिस तरीके से याद किया था वो ये है कि आज ढोल बजाते हुए दूर से राजा जी आए, हनुमान जी के भक्त हैं और केला माता के जाने की जिद करने लगे कहते भाई बड़ी वीर प्रतापी माता है तो उससे आ गया प्रतापगढ़। तो आज से हो गया आपका अजमेर ढोल बजाते हुए यानी के धौलपुर, बजाते हुए यानी बारा, दूर से यानी दौसा, और फिर उसके बाद में राजा जी से राजसमंद, हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमानगढ़, केला माता के जाने की जिद करने लगे। हमें पता है केला माता का मंदिर जो है विच इज इन, केला माता का मंदिर करौली के अंदर है, एंड देन वो प्रतापी माता है तो उससे हो गया आपका प्रतापगढ़। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसके अंदर हमने ये सारी चीजें, यही बस पार्ट हमारा छूट गया था तो वो हमने कवर कर लिया है यहाँ पर। एंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग फिजिकल डिविजन्स और ये सब चीजें कवर करेंगे, बट उससे पहले एक बार रीजनल जो लोकल रीजनल लैंग्वेज के अंदर जो रीजन्स के नेम है वो एक बार देख लेंगे। ठीक है, सो सी यू इन माई नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच गाइज़।